लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कानून की आंखों में तुमने बहुत धूल झोंक ली जकी। अब ये खेल खत्म करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दाद देता हूं सर कि आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो चुका है। हर मुजरिम इसी गलत फहमी का शिकार होता है। मैं मुजरिम नहीं हूं। इसका फैसला कानून करेगा। कौन सा कानून? आपके कानून के हाथ तो किसी मासूम के खून से रंगे हुए हैं। खोखला और बेबुनियाद है आपका कानून। मेरा रास्ता छोड़ दो ऑफिसर और अपने गिरते हुए कानून को सहारा दो। कानून किसी सहारे का मोहताज नहीं है जैकी, और इसका सबूत तुम्हें अभी इसी वक्त मिल जाएगा। खुश रहो जानी, टोपी नीची करो, पैंट के बटन पहन लो। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर जानी। थैंक यू वेरी मच सर जानी फॉर योर स्पीडी रिकवरी। फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। इन फूलों की तरह अगर मुजरिम भी मिल जाए तो रिकवरी अपने आप स्पीड पकड़ लेगी। व्हाट सर जी? यस सर जी। नो सर जी। खून काफी बहा है। इन्हें कम से कम 24 घंटे लगेंगे ब्लड लॉस गेन करने के लिए। यू आर राइट डॉक्टर फांसिका। सर जी आप इत्मीनान से आराम कीजिए, मैं उन मुजरिमों में अपने कुत्ते के साथ सूंघता सांघता घुस जाऊंगा। उन्होंने आपका खून बहाया है, मैं न जाने उनका क्या क्या बहा के रख दूंगा। आफ्टर ऑल आई एम पुलिस पब्लिक। बाय द वे डॉक्टर फांसिका, What is your group of blood? I mean blood of group. भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर कदम पर जैकी का साथ दे सकूं। वो दुश्मन से लड़ने जा रहा है, उसकी रक्षा करना, रक्षा करना।
ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ। क्या? मेरा फैसला सुनकर कहीं तुम। कैसा फैसला? तुमने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया निशा, मेरे लिए तकलीफ उठाई, लेकिन अब क्या जैकी? इसके बाद का सफर बहुत मुश्किल है, आगे सिर्फ मौत के अंधेरे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम इन अंधेरों में। तुम वापस देहरादून चली जाओ निशा। मैं चली जाऊं? तुम्हें अकेला इस हाल में छोड़कर? तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है निशा, क्यों अपने आप को मेरे साथ? मुझे समझने की कोशिश करो, अब हालत हमारे साथ नहीं है। मगर वो तो हमारे साथ है, जिसकी चौखट पर खड़े होकर तुम मुझे अपने आप से अलग कर रहे हो। क्या तुम्हें उस पर भी भरोसा नहीं? मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं, मैं ये फैसला नहीं बदल सकता, मैं मजबूर हूँ। लेकिन जैकी, मैं तो सिर्फ एक हमदर्द बनकर थोड़ी दूर और तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। जैकी, मैं जिद मत करो निशा। ये मेरी जिद नहीं, मेरा प्यार है। निशा के लिए आजाद हो? इतना आसान नहीं है रावल, तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं। जैकी यहां आएगा और तुमसे तुम्हारे हर गुनाह का गिन गिन कर हिसाब लेगा। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। तुम्हें अभी तक मेरी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं है, अगर वो यहां आ भी गया तो वापस नहीं जाएगा। अभी इसको जल्दी सक्सेना का मास्क पहनाओ और तैयार करके नीचे लेके आओ। हेलो सर, पीटर हियर। हाँ बोलो बोलो सर। जैकी अपनी वैन में मयूर महल की तरफ बढ़ रहे हैं सर। क्या बात करते हैं? अच्छा ठीक है। अरे जैकी यहाँ पर मेरे बंगलों की तरफ आ रहे हैं, अपनी पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, वो अंदर ना आने पाए। चलो सर, वो तो आगे निकल गया, लगता है रास्ता भूल गया। गुड, किस्मत ने हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी देगी। इससे पहले कि जैकी यहां पर पहुंचे, मुझे विजय कुमार के साथ फौरन चले जाना चाहिए। आई कयामत की वो घड़ी, कदम कदम पे मौत खड़ी। आई कयामत की वो घड़ी, कदम कदम पे मौत। सदिया और कैसी? सर जैकी तो इसी तरफ आ रहा है।
सर आप इसे लेकर निकलिए, जैकी यहाँ आ भी गया तो कानिया उसकी धज्जियां उड़ा देगा। चल चलो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। विजय कुमार कहाँ है? इस साले पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अच्छा इसको मार कर देखता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये मर गया। अबे ये तो मर गया, पर तू क्यों नहीं मर गया? अबे ये मर गया, तू भी मर गया। अबे ये तो मर गया, नहीं मरता तो महाशय के अंदर लोहा है। विजय कुमार कहाँ है? कहाँ है विजय कुमार? बताता हूँ, उसे रावल अभी बाहर ले गया है। चल चल ना, ले जाना तू मुझे। चल, I said leave me you bastard, चल चलने तो देता हूँ ये कभी, चल। दयाल? दयाल नहीं डॉन, अरसे से इस मुलाकात का इंतजार था, अब कुछ बातें और लाते हो जाए। ये था दयाल को डॉन बनाने का मुद्दा, और ये है जैकी की तबाही का सिला, ये है ग्रोवर की मौत का मुद्दा, और ये है इन सब का प्यार। तुम लोग यहां से निकलो। अंकल अंकल। निशा बेटी चलो, लेट्स गो।
स्वामी जी। था तुम जरूर आओगे जैकी, उस कमीने रावल को मत छोड़ना जैकी, मत छोड़ना। देख लिया समंदर में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर करने का अंजाम, अपने आप को स्पेशियल इफेक्ट्स का बड़ा माहिर समझता था। इडियट। जिस कानून की आड़ में तूने ये खेल खेला है रावल, तेरा खात्मा भी कानून की ही गोलियों से होगा। मैंने तुझसे कहा था ना, देख जाकी तेरे सामने खड़ा। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर डाली तुमने, बर्बाद कर डाली तुमने हम सबकी जिंदगी। तो इंसान नहीं दरिंदा है। कमिश्नर सक्सेना का खून तूने मेरे हाथों कमाया। नहीं जैकी, कमिश्नर के कातिल तुम नहीं, कमिश्नर का कातिल मैं। हाँ मैं। 25 जुलाई की रात को होटल ब्लू मून पर जब रात 12 बजे तुम वहां पहुंचे, उस रात मैं भी वहां मौजूद था। ग्रोवर से इशारा पाते ही मैंने अपना साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकालकर सक्सेना पर उतनी ही असली गोलियां चलाई जितनी कि तुम अपने रिवॉल्वर से नकली गोलियां चला रहे थे। इस कमीने रावल ने तुम्हारी पिस्तौल से गोलियां बदलने का काम ग्रोवर को सौंपा था, मगर ग्रोवर मेरा आदमी था। उसने पिस्तौल में असली गोलियां भरी ही नहीं, क्योंकि सक्सेना को मैं अपने हाथों से मारना चाहता था और मैंने उसे मारा। सक्सेना से तो मैंने अपना इंतकाम ले लिया, अब इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूं जैकी। मार इसे। मैं खूनी हूं, मैं कातिल हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये जेनीवा बैंक के लॉकर की चाबी है, करोड़ों का माल है उसमें। हाँ रावल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेर लिया है। और वो सब कुछ तुम्हारा है, वो सब कुछ तुम्हारा है। मुझे यहाँ से इस वक्त जाने दो, प्लीज प्लीज। निशा, ये चाबी हमें सारी खुशियां दे सकती है, हम करोड़पति बन सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम जैकी, क्या हो गया तुम्हें? पागल मत बनो, फेंक दो इसे। निशा, समझने की कोशिश करो, जमाना उसी का साथ देता है जिसके पास दौलत हो। नहीं जैकी, मैं तुम्हें इस तरह भटकने नहीं दूंगी, ये गलत है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि दौलत की खातिर तुम अपना ईमान तक बेच दोगे। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, बाजी फिर पलट गई है। चुपचाप चाबी मेरे हाथ में दे दे। तेरे हाथ में बाजी नहीं, इस गन पर स्टिक फास्ट लगी हुई और गन खाली है। गोले हम पहले निकाल चुके हैं, हाथ टूट जाएगा मगर बंदूक नहीं छूटेगा। मेरे स्पेशल फेस के फन का तूने गलत फायदा उठाया था, आज उसी फन से तेरा खात्मा करूंगा। मिस्टर पुरी, वादे के मुताबिक कमिश्नर का कातिल अपने आप को कानून के हवाले करता है। अगर आप चाहते हैं तो कमिश्नर के कत्ल का राज राज ही रह सकता। मैं नहीं चाहता कि फिर कोई बेगुनाह दयाल धन बन जाए। चलिए ऑफिसर,